हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज आपके लिए हम एक और प्रॉपर्टी लेके आए हैं जो कि हमारी DLF फेस वन में है। और ये हमारी प्रॉपर्टी जो है 270 गज की है एंड इसमें आपको 3 BHK मिल जाता है। काफ़ी शानदार काम करवाया हुआ है बिल्डर के द्वारा एंड आप देखेंगे प्रॉपर्टी तो आपको काफ़ी पसंद आएगी। जैसे छोटी फैमिलीज होती हैं, उन्हें छोटे साइज़ के जो है अपार्टमेंट्स या फिर फ्लोर्स की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी, इंटीरियर वर्क भी बहुत शानदार करवाया हुआ है। तो चलिए आज की प्रॉपर्टी दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी ये जो है हमारी प्रॉपर्टी, सारे मेन स्पॉट्स हैं जो जैसे कि कुतुब प्लाज़ा एंड हमारा जो है मेगा मॉल, सबके बिल्कुल पास में पड़ती है एंड पास में आपका DLF फेस वन मेट्रो स्टेशन भी आ जाता है। तो चलिए आज की प्रॉपर्टी देखते हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको पता ही है, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। ये देखिए हमारी बिल्डिंग की फ्रंट प्रोफाइल है एंड बिल्डिंग जो है हमारी ईस्ट फेसिंग है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारी 12 मीटर की रोड आ जाती है बिल्डिंग के फ्रंट पे, लोहे का गेट मिल जाता है हमें यहाँ पे एंड चलिए एंटर करते हैं। और एंटर करने से पहले दिखा दूँ, यहाँ पे यूनी का जो है हमारा सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है जो डोर फोन से कनेक्टेड है। बाकी आपको यहाँ पे कॉब लाइट मिल जाती है एंड ये हमारा जो है पूरा पार्किंग स्पेस आ जाता है यहाँ पे। वहाँ पे मीटर लगे हुए हैं हमारे। बाकी इस साइड पे जो है हमारा सर्वेंट रूम्स आ जाते हैं। तो चलिए पीछे के एरिया से आपको जो है हमारी बिल्डिंग की पीछे से एलिवेशन जो आ रखी है वो भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, तो चलिए आपको लिफ्ट लॉबी की तरफ लेके चलता हूँ। और बताना चाहूँगा इसका जो प्रॉपर्टी का प्राइस है मैं वीडियो के बीच में आपको बताऊँगा, तो ज़रूर पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाकी ये नीचे देख सकते हैं, आपको यहीं से ही जो है इटालियन फ्लोरिंग शुरू हो जाती है सारी। और यहाँ पे आपको शिंडला की लिफ्ट मिल जाती है। चलिए लिफ्ट से ही चलते हैं फ्लोर पे। हमारा एक सेकेंड, यहाँ पे जो है फर्स्ट फ्लोर प्रेस कर देते हैं। इस बिल्डिंग में जो हमारा सिर्फ और सिर्फ अपर ग्राउंड फ्लोर अवेलेबल है, तो चलिए एंटर करते हैं। बाकी यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारा येल का लॉक मिल जाता है। ब्यूटीफुल होम। और बाकी जो पहली चीज दिखाता हूँ, देखिए गेट कितना हैवी लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने डोर फोन जो नीचे दिखाया था कैमरा, उसका ये स्क्रीन है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, हमारा जो हॉल है यहाँ पे ड्राइंग एरिया। ऊपर शैंडलिया मिल जाता है आपको एंड यहाँ पे आपको एक AC और सेकंड AC लगा हुआ मिल जाता है। नीचे सारा आपका इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है। तो चलिए आपको फ्रंट बैल्कनी हमारी जो है दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है इस एरिया में एंड आप देख सकते हैं ऊपर हमारी वुडन जो है फिनिश मिल जाती है, वहाँ पे टैप मिल जाती है एंड
ये था हमारे फ्रंट बालकनी ड्राइंग एरिया। अब चलिए आपको मैं किचन की तरफ लेके चलता हूँ। हमारी इस साइड पे किचन आ जाती है। ब्यूटिफुल किचन एंड यहाँ पे हमारा डबल बोल सिंक आ जाता है। ये देखिए आपको यहाँ पे विट्रा की फिटिंग मिल जाती है। और एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमें गीज़र मिल जाता है और ये विंडो हमारी वेंटिलेशन के लिए हो जाती है। शाफ्ट है बेसिकली हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको फ्रिज के लिए स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे हमारा माइक्रोवेव के लिए स्पेस मिल जाती है एंड ये हमारी बाकी की स्टोरेज स्पेस है। और यहाँ पे आपको कैफ का हॉब मिल जाता है एंड कैफ की चिमनी मिल जाती है यहाँ पे। बाकी आपको मैं ये दिखा दूँ तो ये देखिए कैफ की सारी आपको यहाँ पे किचन की फिटिंग मिल जाती है। और ये वाइट एंड ये ब्राउन कलर के फिनिश में जो है पूरी मिल जाती है हमें किचन। नीचे आपको सारे में दिख रहा होगा एलईडी लाइट जा रही है हमारी पूरी फ्लोरिंग में। एंड चलिए आपको अब इस साइड लेके चलते हैं। ये एरिया जो है बेसिकली हम डाइनिंग एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं या फैमिली लाउंज बना सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये देख सकते हैं दो विंडोज़ मिल जाती हैं। यहाँ पे मैं ये खोल के दिखा देता हूँ जो किचन से भी दिख रहा था एरिया। ये देखिए तो चलिए आपको जो है मैं फर्स्ट बेडरूम दिखा देता हूँ अब हमारा। इस साइड पे वार्डरोब आ जाती है हमारी। और यहाँ पे एसी की फिटिंग मिल जाती है आपको। और इस साइड पे हमारा वॉशरूम एरिया आ जाता है। ये वॉशरूम एरिया जो है इस रूम से भी कनेक्टेड है और हमारा यहाँ इस एरिया से भी कनेक्टेड है। बाकी आपको दिखा दूँ कुछ ऐसी फिनिश हमें वॉल पे मिल जाती है। सामने एलईडी मिरर मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको विट्रा की सारी फिटिंग मिल जाती है। नीचे स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है यहाँ पे। और सामने ग्लास पार्टीशन के साथ शावर एरिया आ जाता है हमारा। और अब चलिए आपको जो है मैं रियर बालकनी दिखा देता हूँ हमारी। ये देखिए काफ़ी अच्छा साइज़ निकल के आया हुआ है बालकनीज़ का हमारे यहाँ पे। और वहाँ पे आपको टैप मिल जाती है। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब चलिए आपको मैं सेकंड बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ हमारे। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, ऊपर एसी मिल जाता है हमें एंड सेम रियर बालकनी जो मैंने दिखाई थी। और इस साइड पे जो है रुकिए दिखा देता हूँ, ये वाली बालकनी मैं दिखा चुका हूँ आपको। एंड ये हमारे यहाँ पे अब ड्रेसिंग एरिया आ जाता है। काफ़ी ह्यूज साइज है हमारा जो वार्डरोब्स का है। एंड ये हमारा वॉशरूम आ जाता है। ये देख सकते हैं पूरे मिरर के पीछे जो हमारी एलईडी लाइट है रनिंग। और यहाँ पे विट्रा की फिटिंग मिल जाती है। नीचे स्टोरेज स्पेस मिल जाती है हमें यहाँ पे। और सामने दिखा दूँ तो यहाँ पे हमें ग्लास पार्टीशन मिल जाता है शावर एरिया के लिए। और कुछ ऐसी फिनिश जो है हमें वॉल पे मिलती है, ये देखिए। तो ये था हमारा सेकंड बेडरूम। तो चलिए आपको थर्ड बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ। और चलते चलते बताना चाहूँगा कि जो इस प्रॉपर्टी का प्राइस रहेगा वो रहेगा 2.65 CR। और ये हमारा जो है अब थर्ड बेडरूम आ जाता है यहाँ पे।
यहाँ पे आपको नीचे इटालियन मार्बल फ्लोरिंग मिल जाती है एंड ऊपर आपको एसी मिल जाता है एंड ये देख सकते हैं पूरा बहुत शाइन कर रहा है हमारा जो है फ्लोरिंग, काफ़ी अच्छा काम करवाया है। ये देखिए वार्डरोब में आ जाती है हमारी यहाँ पे सामने। और इस साइड पे हमारा वॉशरूम आ जाता है। अब ये देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे भी आपको मिरर के पीछे वो मिल जाती है एलईडी लाइट एंड यहाँ पे विट्रा की फिटिंग मिल जाती है। यहाँ पे इटालियन टॉप मिल जाता है इस पे और ये हमारी नीचे स्टोरेज स्पेस आ जाती है। सामने आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसी फिनिश मिल जाती है हमें वॉल पे और ग्लास पार्टीशन आ जाता है हमारा शावर एरिया के लिए। ये देखिए स्लाइडिंग डोर है हमारा और यहाँ पे ये देख सकते हैं रेकॉर्ड का गीज़र मिल जाता है। तो मैं अपनी वीडियो जो है अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए ऐसी प्रॉपर्टीज़ लेके आते हैं हम। और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो मैंने नीचे नंबर मेरा मेंशन कर दिया है, उस पर आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।